ओके तो भाई फाइनली आज का स्मैकडाउन स्टार्ट हो चुका है। रैंडी ऑर्टन, केविन ओस, हमारे कोडी और तीनों पुलिस से अरेस्ट हो चुके हैं। आखिर क्यों पुलिस ने इनको अरेस्ट किया, क्या हरकत की है स्मैकडाउन के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूं। उससे पहले भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले भाई स्मैकडाउन का स्टार्टिंग हमें पॉल हेवन से देखने को मिलता है, जो कि इंतजार कर रहे होते हैं यहाँ पर सोलो सिकोवा। जिस तरीके से भाई कभी पॉल हेवन रोमन रेंज का इंतजार करते हैं, उसी तरीके से अभी करेंट टाइम में सोलो सिकोवा का इंतजार कर रहे हो। वैसे लंबे से गाड़ी में सोलो सिकोवा आते हैं, यहाँ पर पॉल हेवन का सर नीचे झुका हुआ था। यहाँ पर पॉल हेवन बोलते हैं सोलो सिकोवा से कि मुझे पता तुम जवाब नहीं दोगे, पर मैं फिर से पूछूंगा जेकब फाटू करेंट में आखिर कहां है। क्योंकि भाई सोलो सिकोवा यहां पर टामा टोंगा और टांगा लोआ के साथ आए थे, अभी जेकब फाटू इनके साथ कार में नहीं बैठे हुए थे। भाई जैसे आपकी क्रश आपको इग्नोर करती, उसी तरीके से पॉल हेवन को इग्नोर कर देते हैं सोलो सिकोवा। पॉल हेवन उसके बाद अपना दुम हिलाकर पीछे पीछे जाना शुरू कर देते हैं सोलो सिकोवा। एग्जैक्टली होता क्या, सोलो सिकोवा अपने ब्लड लाइन के साथ जैसे रिंग के अंदर जाने का कोशिश करते हैं, पीछे देखते हैं रैंडी ऑर्टन, केविन ओस और कोडी रोड्स तीनों आतंक मचा रहे हैं। हमें जस्ट एक सेकंड बाद हमें आइकॉनिक फोटो देखने को मिलता है, दोनों टीम एक दूसरे के सामने थे जिनका मैच होने वाला था मनी इन द बैंक के अंदर। और भाई लिटरली क्या ही कमाल का लुक भाई तीनों गैंगस्टर का लग रहा था। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये WWE हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट फोटो में से एक है। केविन ओस भाई यहाँ पर RKO का टी शर्ट पहने हुए थे और कोडी रोड्स भाई यहाँ पर कोट पहने हुए और थे। उसके ऊपर भाई ये सारे रेसलर एक दूसरे के ऊपर कुत्ता जैसा कूदना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। आप लोग भाई फोटो के अंदर भी देख सकते हैं किस तरीके से एक घमासान युद्ध इस मैच के अंदर छिड़ चुका है। भाई रैंडी ऑर्टन का बात करें तो भाई रैंडी ऑर्टन टांगा लोआ को यहाँ पर मैनेज कर रहे थे। अगर कोडी रोड्स का बात करें तो भाई कोडी रोड्स यहाँ पर सोलो सिकोवा को मैनेज कर रहे थे, क्योंकि कोडी रोड्स सबसे टॉप के रेसलर थे। अगर हम लोग केविन ओस का बात करें तो भाई केविन ओस पर टांगा टोंगा को यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। एग्जैक्टली होता क्या है भाई, सबसे पहले रैंडी ऑर्टन टांगा लोआ को यहाँ पर साइड कर देते हैं मार मार। नेक्स्ट केविन ओस का बात करें तो भाई केविन ओस जंप करके भाई पूरा मतलब टेबल ही तोड़ देते हैं टामा टोंगा को। और कोडी रोड्स भाई यहाँ पर सोलो सिकोवा को रिंग से भगा चुके थे बहुत दूर। तो भाई एग्जैक्टली हमें क्या देखने को मिलता है, रिंग के अंदर तीनों रेसलर खड़े थे और सारे सिक्योरिटी वाले आसपास सारे लोग खड़े थे। यहाँ पर निक ऑल्डिस भी पहुंच चुके थे जो कि सारे लोग को शांत कर रहे थे। वैसे उसके बाद होता क्या, ये जो आप लोग चोटी वाला सिक्योरिटी गार्ड देख रहे हो, ये भाई रिंग के अंदर चला जाता है सबको रोकने के लिए। रिंग के अंदर भाई तीन तीन ऑलरेडी खूनखार सिर पहले से इंतजार कर रहे हो। उसके बाद रैंडी ऑर्टन बोलते हैं बेटा चिड़िया देखो, जैसे वो चिड़िया देखने के लिए ऊपर देखता उसको कमाल का RKO लगा देते हैं। फिर क्या था भाई, जितने सिक्योरिटी गार्ड वाला होते हैं सारे लोग आकर रिंग के अंदर अटैक करना शुरू कर देते हैं सबको, रैंडी ऑर्टन, केविन ओस और कोडी रोड्स मारना शुरू कर देते हैं। लास्ट में भाई जाकर रिजल्ट ये मिलता कि ये तीनों मिलकर सबको साइड कर देते हैं। निक ऑल्डिस वहां से गुस्से में चला जाता। उसके बाद इन तीनों रेसलर का हमें प्रोमो देखने को मिलता है, जहां रैंडी ऑर्टन सबसे पहले बोलते हैं कि ब्लड लाइन के कारण मुझे 18 महीने तक मुझे टेलीविजन से ऑफ रहना पड़ा। उसके बाद केविन ओस बोलते हैं कि मैं तो लिटरली बुढ़ा गया ब्लड लाइन के साथ मैच रेसल करते करते, जो मेरा जिंदगी झंड कर दिया ब्लड लाइन वालों ने, जब भी मतलब इसको मारो फिर से नया पैदा लेकर आ जाता। उसके बाद कोडी रोड्स बोलते कि मुझे लगा था रेसलमेनिया 40 के अंदर ब्लड लाइन ओवर हो चुका, पर ऐसा नहीं था, मैं गलत था। कोई चिंता वाली बात नहीं, ब्लड लाइन के जितने नस्ल आएंगे मैं सबको खत्म करने वाला हूं, मैं सबको डिस्ट्रॉय करने वाला हूं। मैं कोडी रोड्स किसी से डरता नहीं हूं, मैं सबको दिखा दूंगा अपना पावर। फिर देन उसके बाद होता क्या भाई, निक ऑल्डिस यहां पर सारे पुलिस ऑफिसर को लेकर वहां पर आ जाते हैं। जब यहां पर भाई पुलिस ऑफिसर आ जाता है तो भाई केविन ओस, रैंडी ऑर्टन, हमारे कोडी रोड्स भाई कुछ कर नहीं पाते। फिर उसके बाद भाई इन तीनों को वहां से पुलिस के साथ जाना पड़ता है। भाई एग्जैक्टली इनको अरेस्ट नहीं कह सकते क्योंकि भाई अरेस्ट के अंदर मतलब हथकड़ी वगैरह सारा चीज लग जाता है। ऐसे जो भी हो भाई, पर कमाल की बात है कि जेकब फाटू आज के स्मैकडाउन के ऊपर अभी हमें देखने को नहीं मिले। जेकब फाटू का है भाई आज के स्मैकडाउन के ऊपर ब्लड लाइन एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी वगैरह जो भी चीज है मतलब वो होने वाला है। आप लोग समझ सकते हो भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अभी वार खत्म नहीं हो, अभी फिर से ये दोनों टीम एक दूसरे के सामने आने वाला आज के स्मैकडाउन को। मैं आपको बताना भूल गया था भाई, मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर आज का स्मैकडाउन हो रहा है, जहां WWE कंपनी का सबसे बेस्ट शो डिलीवर होता है। बस भाई आप लोग इंतजार करो भाई, बहुत सारा धमाका आज के स्मैकडाउन के ऊपर होने वाला, बस आप लोग इंतजार करो। हाँ, वीडियो पसंद आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जिन लोगों को मेरे से बात करना है इंस्टाग्राम के ऊपर सारे लोग आ सकते हैं।